अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। प्रदेशवासियों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, नीमच में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शाजापुर, आगर में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं से प्रदेश में तापमान बढ़ा है और अभी फिलहाल जो है तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने लू को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। देखिए, खासकर जो मई का महीना होता है हमारे मध्य भारत में, मई तपती ही, आप उससे बहुत ज्यादा आशा करना कि मई है तो नहीं तपेगा, या आपको 15 जून तक बहुत ज्यादा कोई राहत प्रदेश में रहने की संभावना नहीं है। अभी देखिए, सूखी गर्म हवाएं राजस्थान से आ रही हैं और दिन काफी तप रहा, मतलब प्रदेश में 45-46 डिग्री है, 42 डिग्री है, 43, ये सब तापमान 40 से ऊपर प्रदेश का बढ़ा हुआ है। तो फिलहाल एक हफ्ते कहीं कोई राहत प्रदेश में नहीं है। गर्म हवाओं का प्रभाव पूरे प्रदेश में रहेगा। लोगों से अनुरोध यह है कि जब आवश्यक हो तभी घर के बाहर निकलें और सूती सफेद कपड़े ढीले पहने, पानी खूब पिए और बचाव सावधानी करें, धूप के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचें। लेकिन फिलहाल आप राहत की सोच रहे हैं तो मई में थोड़ा बहुत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई सिस्टम आने से क्या होता है कि तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आती है, लेकिन उस गिरावट से बहुत ज्यादा राहत नहीं होती, क्योंकि 40 के ऊपर टेम्परेचर रहेगा, आपको गर्मी लगेगी, लू चलेगा, तो ये तो मई तपेगा। इसलिए बहुत ज्यादा इसमें आशा करना व्यर्थ है, सावधानी ही रखें। जी बिल्कुल मिश्रा जी, जिस प्रकार से जो है फिलहाल अगले हफ्ते तक राहत नहीं मिल सकती, लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मॉनसून इस बार जल्दी आने की संभावना भी जताई जा रही है, तो मॉनसून क्या मई के आखिरी तक आ सकता है? बिल्कुल गलत बात है। मानसून, देखिए मानसून की जो सामान्य तिथियां हैं, केरल में 1 जून होती है और बंबई के आसपास 10 तारीख को आता है और अपने मध्य प्रदेश में 15 से 20 के बीच आता है। तो कितना भी जल्दी कुछ भी हो, मानसून ऐसा नहीं है कि एकदम से मई के एंड में आ जाए, पहले तो केरल में आएगा, केरल के बाद 10-15 दिन अपने यहाँ लग जाता है। तो मानसून में जल्दी आने की फिलहाल कोई संभावना प्रदेश में नहीं, सामान्य ही रहेगा जैसा हमारे मौसम विज्ञान विभाग ने फोरकास्ट किया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जिस प्रकार से जीडी मिश्रा जी ने बताया कि अभी गर्मी से राहत आपको नहीं मिलेगी, प्रदेशवासियों को फिलहाल गर्मी से किसी प्रकार की राहत की कोई उम्मीद यहां पर नहीं है। मौसम विभाग ने लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रतलाम, राजगढ़, खंडवा, खरगोन, नीमच में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शाजापुर, आगर में भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।